मेरा नाम है सीए विजय मोगले, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 18 महीने से मैं दर बदर की नौकरी कर रहा हूँ अपने खुद के पैसे के लिए, खुद के पैसे जो मैंने कोऑपरेटिव बैंक में रखे हैं। इंडियन जुडिशरी जिन्होंने आज तक हमारे इस बात की दखल नहीं ली, जबकि वो चाहते तो सू मोटो एक्शन ले सकते थे। अगर कानून का ये मूल मंत्र है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लाखों बेगुनाहगार जो इनोसेंट लोग हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या इंडियन जुडिशियरी सू मोटो एक्शन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती है कि इनका पैसा सेफ होना चाहिए, इनका पैसा इनको वापस मिलना चाहिए? पीएमसी बैंक बंद होकर 18 महीने हो गए, 180 लोग अब तक मर चुके, ज्यादा लोग 6 जन ने आत्महत्या की है। आरबीआई को ये मालूम होते हुए 2011 में आरबीआई का लेटर गया था कि आपके बैंकों में घपला हो रहा है, फिर भी आरबीआई ने ध्यान नहीं दिया। उसने 10 साल लगाए, जब बैंक डूब गई तब उसने 35A लगा के अभी तक चालू नहीं किया। 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपये पे किसका घर चलता है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है। इस कांड को आरबीआई जिम्मेदार है, आरबीआई चोर है, मैं तो बोलती हूँ आरबीआई चोर है। मेरा कहना है बैंकों में, किसी भी बैंकों में अभी पैसा रखो ही मत। इट्स ओवर 18 मंथ्स, पीएमसी डिपॉजिटर्स हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। कोई समझ में नहीं आ रहा क्यों आरबीआई फोन, कभी आरबीआई पीकेसी जिला फोन, बॉम्बे हाई कोर्ट, पॉलिटिशियन से मीटिंग, डिफरेंट पार्टीज के पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर से मीटिंग, और रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया है। दिलासा मिला है, उसका आचार नहीं डाल रहा है हमको, उससे घर नहीं चलेगा, उनके दिलासे से, उम्मीदों से कुछ अश्योरेंस नहीं मिला है, जो कि डे वन से मांगा जा रहा है। इतना तो तय है हम अपना पूरा पैसा लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। बोलता है पहले वो 35A स्टार्ट किया तो बोलता है सिर्फ 3 महीने का 6 महीने का, एक एक बार ऐसा एक्शन करता है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेता ही नहीं है। कॉन्क्रीट इन्वेस्टर्स आने के बाद भी इन्वेस्टर्स से क्या बात हुआ, कब तक हमारा पैसा आएगा, कुछ बोलता नहीं है। और पहले 1,000 रुपये से चालू किया, हमें एजिटेट किया करके उसका 50,000 तक बढ़ाया और 1,50,000, 1 लाख में 19 महीना कोई घर चला सकता है। और सीनियर सिटीजन को और सबको इतना हैरेसमेंट होता है, और कुछ भी कब डिसीजन लेगा, कब होएगा, अभी तक बोलता नहीं।